Good morning, student. How are you all? I hope you all will be fine. तो स्टूडेंट जो कल हमने टॉपिक किए थे, कल हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे स्टूडेंट्स? कल हमने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस किए थे हमने. तो स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर स्टूडेंट? हमने थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में जो है बात की थी. तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्टूडेंट हमारे पास सिक्स टाइप्स के जो है ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के. अब हम एक एक करके जो है इनको डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं N2O. किसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट? N2O. N2O को हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रस ऑक्साइड. और स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे कि इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द लाफिंग गैस या राइट द नेम ऑफ द लाफिंग गैस. तो वी हैव लाफिंग गैस जो है N2O, दैट इज अ नाइट्रस ऑक्साइड. क्लियर स्टूडेंट? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है हमारे पास? लाफिंग गैस है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टूडेंट आपको पता है जिसकी ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करनी होती है उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं. तो यानी कि N2O है हमारे पास, तो इसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया. ऑक्सीजन को आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है कितना चार्ज होता है? -2. कितना चार्ज होता है? -2. तो आप इसको क्या करेंगे? 2 × x 2x - 2, तो दैट इज इक्वल टू 0. 2x = 2, x = 2/2, दैट इज इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली वो क्या निकली? +1. क्या कैलकुलेट हुई? जो N2O की ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, वो क्या निकली स्टूडेंट? +1. समझ में आया सबको स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस की. ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस में स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि जो ये गैस होती है हमारे पास ये कलरलेस गैस होती है. अगर आप इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये क्या होती है? कलरलेस गैस होती है. क्या सी होती है? कलरलेस गैस होती है. ठीक है, और सेकेंड स्टूडेंट ये जो है न्यूट्रल होती है. क्या होती है? न्यूट्रल होती है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? की फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है? कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल होती है. और स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन. किसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट? इसकी प्रिपरेशन. देखो स्टूडेंट इसको प्रिपेयर किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से. किससे प्रिपेयर किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से स्टूडेंट इसको जो है प्रिपेयर. तो स्टूडेंट अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3. क्या होता है? NH4NO3. ठीक है, अब आपने क्या करना है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देना है. क्या कर देना है? वाटर के मॉलिक्यूल. तो आपके पास कितना है? H4 है, इसका मतलब 2H2O निकल सकता है. यहां से क्या निकल सकता है स्टूडेंट? 2H2O रिमूव हो सकता है. और साथ में क्या बचा हुआ है? N2 है और एक ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गई प्रिपरेशन ऑफ N2O. तो यहां तक नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम सेकेंड जो है ऑक्साइड पर चलते हैं. फटाफट से नोट डाउन कर ले स्टूडेंट इसको. ये स्टूडेंट सेकेंड हमारे पास ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड. कौन सा स्टूडेंट? नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टूडेंट हम कहते हैं NO. क्या कहते हैं? NO कहते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे. क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कैलकुलेट करेंगे. तो देखो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको आप एक्स कंसिडर करेंगे. ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो x - 2 = 0, x = +2. तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई? नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होगी. अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? अब हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर लें. तो स्टूडेंट ये भी कलरलेस होती है. अगर आप इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये क्या होती है? कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल रहती है. ठीक है, क्या होती है? न्यूट्रल.
समझ में आया सबको, कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रिपरेशन, किसके बारे में बात करते हैं, प्रिपरेशन। अब स्टूडेंट प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, अगर हम अमोनिया को क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करें, अमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करें, हीट करें, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाता है, NO, वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दो। अब आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल 3 तो हो नहीं सकते, H3, तो आप क्या लिखोगे, यानी कि 3H2O, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3H2O, क्या लिखेंगे आप, 3H2, यानी कि यहां पर आप 2 लगा दो और यहां पर स्टूडेंट आप क्या लगा दो, 2 लगा दे, ठीक है। अब देखिए बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, अगर हम हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 3 और 1 4, तो हमें नाइट्रोजन के यहां पे कितना लगाना होगा, 2 लगाना होगा, 2 लगाना होगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा यहां पर लेनी होगी। तो कितने स्टूडेंट, 5 2 10, तो 10 और यहां पर कितना हुआ हमारे पास, 6, तो हम इसको 4 कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा और यहां पर भी स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 6 2 12, तो अब देखिए नाइट्रोजन आपके पास कितना, यहां पर भी कितना आएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियर है। और अब की बार स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट हो गए हैं हमारे इसमें से, तो हम इनके स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी प्रिपरेशन और इनके फिजिकल अपीयरेंस को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट नोट डाउन कर ले, उसके बाद जो है हम थर्ड टॉपिक पे, ये स्टूडेंट थर्ड हमारे पास है N2O3, कौन सा हमारे पास, N2O3, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, क्या कहते हैं स्टूडेंट, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो फर्स्ट आप सबसे पहले आपका काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन को एक्स कंसीडर कर लेंगे, 2x-6=0, 2x=6, x=6/2, that is equal to 3, तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट कितनी निकली, 3। अब अगर हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो स्टूडेंट ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, तो ये जो है ब्लू एसिडिक सॉलिड होता है, ठीक है, कौन सा होता है स्टूडेंट, ब्लू सॉलिड होता है और एसिडिक नेचर का होता है, क्लियर हो गया। अगर आप इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, तो स्टूडेंट ये जो है ब्लू सॉलिड होता है और एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, एसिडिक इन नेचर, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट अगर हम हमारे पास क्या रहता है, इसकी प्रिपरेशन रहती है, अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो अगर हम नाइट्रोज जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है यानी कि NO है, NO में हम किसकी एडिशन करें, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की, नाइट्रिक ऑक्साइड में किसकी एडिशन करें, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की, ठीक है। और यहां पर जो हम इसको हीट करेंगे स्टूडेंट वो कहां, किसमें हीट करेंगे, -20°C, किसमें हीट करेंगे, -20°C, तो स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा N2O3, यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, स्टूडेंट यहां तक नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम इसकी फोर्थ जो है